नमस्कार साथियों, आज की हमारी विशेष मेहमान है आदरणीय गीता दादिच मैम, जो कि दिवंगत डॉक्टर एल के दादिच साहब की धर्मपत्नी भी है। और डॉक्टर दादिच साहब का नाम कोटा ही नहीं, राजस्थान के ही भूमि पर, भारत की भूमि पर पर्यावरण के क्षेत्र में एक बहुत ही सम्मानीय नाम है। और उन्होंने अपना जीवन पर्यावरण के अनुसार जिया और अन्यों को भी प्रेरणा दी। आज कोटा में उनके द्वारा पढ़ाए गए अनेकों डॉक्टर्स हैं, जैसे डॉक्टर गिरीश वर्मा सर, डॉक्टर साकेत गोयल, डॉक्टर विक्रांत माथुर, जो उनके द्वारा चलाई गई इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय गीता मैम से कि वे भी इसके बारे में बताएं कि किस प्रकार से पर्यावरण की जो मुहिम उन्होंने चलाई थी उसका किस प्रकार से आपने पालन किया और किस प्रकार से अपने जीवन में उतारा। नमस्कार सभी को, मैं गीता दादिच और अपने आप को पर्यावरण की प्रेमी कहलाना ज्यादा पसंद करूंगी, क्योंकि कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि एक व्यक्ति के करने से क्या होगा, मैं कहती हूँ कि एक गिलहरी के करने से समुद्र भरने लगा था। तो आइए हम इस बात पर चर्चा करें कि पर्यावरण हमारे लिए, पेड़ पौधे हमारे लिए क्यों जरूरी है। यदि तथ्य की बात कहें तो जल और भोजन से पहले हमें ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन हम उन ऑक्सीजन दाताओं को बेरहमी से काट देते हैं। एक बार डॉक्टर साहब, मुझे सपने में एक वृक्ष ने आकर कहा, वो यूं कहने लगा कि आप लोग मेरी शाखाओं को यूं बेरहमी से काट देते हैं, लेकिन मेरा मादा देखिए कि मैं एक शाखा के कटने पर 10 शाखाओं के साथ वापस पनप जाता हूँ, लेकिन हे इंसान, तुम मेरी तरफ आ और मैं तेरी एक उंगली काट देता हूँ तो सारी जिंदगी तुम बिना उंगली के ही रहोगे। मेरे हस्बैंड डॉक्टर एल के दादीज कहा करते थे कि भाग्यवान जैसा कहना वैसा करना। अब मौका आया बेटे की शादी का, बेटे से पूछा, बेटा हम तो आप तुम्हारी पर्यावरणीय शादी करना चाहते हैं। दुल्हन से पूछा कि हम पर्यावरणीय शादी करना चाहते हैं। दुल्हन के परिवार वालों से पूछा कि हम इस तरह की शादी करना चाहते हैं। तो आश्चर्य देखिए, हम ही नहीं पूरा कुनबा खड़ा हो गया कि पर्यावरणीय शादी होनी चाहिए। अब पर्यावरणीय शादी कैसे साहब, वो ऐसी कि हम यदि पर्यावरण के लिए सोचना चालू करें तो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसमें, जल आता है उसमें, इलेक्ट्रिसिटी बचाई हमने, शादी हमने सुबह की। कंजूस नहीं हम, लेकिन हम विद्युत को बचाना चाहते हैं। फिर हमने उसके ऊपर, जानवरों के ऊपर जोर नहीं किया, हमारा बेटा घोड़ी पर नहीं बैठा। अगली बात, हमने बाजे नहीं बजवाए क्योंकि नॉइज पॉल्यूशन को हमने कम किया। अगली बात, जो भी गाड़ियां हमारे यहाँ मेहमान लेकर आए थे जो उस शादी में शामिल होने के लिए, उनका हमने प्रदूषण टेस्ट करने के लिए एक बूथ बनाया था। सारी गाड़ियां आती उस पर चेक कराती और फिर आगे बढ़ रही थी। अगली बात, मेरे बेटे की खुशी के लिए मेरे पति ने कह दिया कि भाग्यवान फूलों की माला तो नहीं पहनाई जाएगी, क्योंकि मैं फूल वृक्ष से शाख से तोड़ने के खिलाफ हूँ, क्योंकि वो भी इंसेक्ट्स का घर है और इससे प्रकृति आगे बढ़ती है, वो परागण होता है उससे। अब क्या करें भाई, फूलों की वरमाला तो पहनानी पड़ेगी। मैंने अपने हाथों से कागज की फर्रियों से उस माला को बनाया और इतना सुंदर सजाया कि फूलों की माला भी बेकार थी। और हमने आने वाले मेहमानों को फूल माला नहीं पहनाई, उनको नारियल भेंट किया, क्योंकि नारियल प्रकृति का ऐसा उत्पाद है जिसका हर चीज काम में आती है। नारियल को कितने ही टाइम तक रखो आप, वो खराब नहीं होगा। मिठाई देंगे हमारे आने वाले मेहमानों को तो शायद वो किसी और को दे देंगे, या नहीं खा पाएंगे, या खा भी पाएंगे तो नुकसान करेंगे, नहीं खा पाएंगे तो किसी और को देंगे। चलिए, ऐसी बात है। अब क्या है कि पर्यावरण सख्ती से नहीं आएगा, पर्यावरण के लिए हमें सबको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। सोच बदल कर ही हम पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो कोविड का समय आया था उसमें धन दौलत चोरी नहीं हुआ, किसी का पर्स चोरी नहीं हुआ, किसी की अंगूठी चोरी नहीं हुई, किसी का चेन चोरी नहीं हुए, ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी किए गए हैं। और आने वाले समय में ऐसा ही होगा कि चोर घर में आ जाएंगे तो आपका धन दौलत पड़ा रहेगा कि वो आपका पानी चुरा के ले जाएंगे। तो अभी भी समय है, हम संभल सकते हैं और इस बात को गांठ बांध कर रखें कि ये प्रकृति हमारे लिए, हम प्रकृति का दोहन नहीं करें बल्कि उसका सही से उपयोग करें। और कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही। थैंक यू।
थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही सार्थक संदेश दिया पर्यावरण बचाने का और प्रकृति का अंधाधुंध दोहन को रोकने का। आइए हम सभी आदरणीय दिवंगत डॉक्टर एल के दादी साहब के बताए हुए रास्तों पर चलते चले और आदरणीय गीता मैम भी उसी मुहिम को आगे बढ़ा रही हैं। और मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आपकी जैसे लोग आज भी इस धरती पर विद्यमान हैं और इस तरह से युवाओं का, आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते हुए इस धरती को, इस पर्यावरण को अगली पीढ़ियों तक बचाने का कार्य कर रहे हैं। दादी साहब कहते हैं कथनी और करनी में अंतर मत करना भाग्यवान। मेरी मृत्यु के पश्चात मेरे जो राख है, जो मेरी बोन्स है, मेरी हड्डियां हैं, किसी भी जलाशय में मत डालना। फिर अब हमारे लिए तो मुश्किल होगी सर कि अब क्या करें। अब उनकी अस्थियों को लिया हमने और वन विभाग को हमने रिक्वेस्ट किया कि इन अस्थियों को हम आपके जंगल में ले जाकर इनको गाड़ना चाहते हैं। हमने गड्ढा खोदा और उस पर अस्थियां रखी, वापस ढका, वृक्ष लगाया और आपको क्या बताऊं डॉक्टर साहब, अभी वो वृक्ष इतना ऊंचा हो गया है और उसके चारों तरफ अपने चबूतरा बनाया, कोई भी पंथी, कोई भी राह चलने वाला उस पर कर सकता है। और यदि किसी को मीटिंग करनी हो ना वृक्ष की छाया में, तो 50 लोगों की मीटिंग तो आराम से हो जाती है। और इस प्रेरणा लेकर कई ऐसे समाज सेवी आए जिन्होंने अपने परिवार के लोगों के लिए वहां पर गड्ढा खोदकर और वहां पर वृक्ष लगाए हैं। ये मैं मानती हूँ कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये दादी साहब की देन है कि वो जगह है आने वाले हमारे जो समाज के लोग हैं अपने परिवार के लोगों के साथ करना चाहते हैं। बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, इस पर वो करना चाहते हैं तो वो वृक्ष लगाते हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि उस जगह का नाम स्मृति में नहीं पड़ा हुआ, अनंतपुरा में है अभी भी। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई आपको मैम, आपने और हमारे आदरणीय दादी साहब की जो प्रेरणा है वो हमेशा हमें प्रेरणा देती रहेगी, उनके महत्वपूर्ण कार्यों का मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा और इसी तरह से ये मुहिम आगे बढ़ती रहेगी। थैंक यू।